सरताज सिंह एक वक्त बीजेपी के दिग्गज नेता थे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, 83 साल की उम्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री और 5 बार के सांसद सरताज सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह का 83 की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने भोपाल में अंतिम सांस ली। सरताज सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, मेरी सरकार में भी मंत्री रहे पीडब्ल्यूडी, श्रद्धेय सरताज सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। सरताज जी इटारसी और नर्मदापुरम जिले में जिन्होंने जनसंघ के काम के विस्तार में अतुलनीय भूमिका निभाई। दरअसल सरताज सिंह नर्मदापुरम संभाग से बीजेपी के सबसे कद्दावर और वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते थे। सरताज सिंह 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में भी वो केंद्रीय मंत्री रहे थे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरताज सिंह का परिवार इटारसी आकर बस गया था। पहली बार 1971 में सरताज सिंह इटारसी नगर पालिका के कार्यवाहक नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। 2008 से 2016 तक मध्य प्रदेश सरकार में रहे मंत्री। सरताज सिंह के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो नर्मदापुरम की सिवनी मालवा सीट उनकी परंपरागत सीट रही है। 1989 से 1996 की अवधि में उन्होंने नर्मदापुरम संसदीय सीट से लगातार 3 बार रामेश्वर नेखरा को हराया, जबकि 1998 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह को हराया, जबकि 2004 में भी वो लोकसभा चुनाव विजयी हुए। वो 2 बार विधायक रहे। 2008 में होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी हाजरी लाल रघुवंशी को हराया। 2013 की विधानसभा चुनाव में फिर जीते और मंत्री बने। 2018 में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुए। 2018 के चुनाव में सीता शरण शर्मा से हार गए थे। 2018 में हार के बाद ही अचानक से सरताज सिंह ने राजनीति से मुंह मोड़ लिया। हार का सामना करने के बाद सरताज सिंह की बीजेपी में वापसी तो हो गई, लेकिन उसके बाद प्रदेश की राजनीति में वो खासा एक्टिव फिर नजर नहीं आए। टीम न्यूज़ 8।